नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12, 13 और 14 अप्रैल की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अश्व में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 12 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों इस दिन मंगलवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन आश्लेषा नाम का नक्षत्र रहेगा। वहीं दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन शूल नाम का शुभ योग और गंड नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। राहु कल का समय शाम के 3:35 से लेकर शाम के 5:09 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप यह राहु कल समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। और दोस्तों चंद्रमा दिन कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें तो दोस्तों इस दिन बुधवार का दिन रहेगा, बुधवार से तिथि रहेगी मघार नाम का नक्षत्र और साथ ही दोस्तों इस दिन वृद्धि नामक शुभ योग रहने वाले हैं। जी दोस्तों, और इस दिन राहु कल का समय दोपहर के 12:27 से लेकर दोपहर के 2:01 रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा इस दिन भी सिंह राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों आखिरी दिन की बात करें 14 अप्रैल की तो दोस्तों इस दिन गुरुवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, पूर्व फाल्गुनी नाम का नक्षत्र और साथ ही दोस्तों इस दिन वृद्धि नामक योग के उपरांत ही ध्रुव नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। राहु कल का समय दोपहर के 2:01 से लेकर शाम के 3:35 रहेगा। दोस्तों इन दिन चंद्रमा सिंह राशि के उपरांत कन्या राशि में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं तीन दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में दाम्पत्य जातकों को जो है अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि संभावना है कि आपकी संतान अपने कार्यस्थल पर अच्छा कार्य करेंगे जिससे उनकी उन्नति होगी। इससे दोस्तों घर परिवार में खुशियों का जो है आगमन होगा, कुछ शुभ कार्य संपन्न होने की भी यश में योग बन रहा है। वहीं दोस्तों यश में अगर आपकी नेगेटिविटी की बात करें तो यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों यश में देश के भीतर ही करें। यदि आप विदेश की यात्रा करते हैं तो दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है और आप धोखेबाजों से यश में नुकसान खा सकते हैं। यात्रा करने की योजना बनाने से पहले जो है आप उचित जांच पड़ताल कर लें और गहन शोध का संचालन करें। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय रहेगा, भविष्य के लिए जो है कुछ योजना बनाने का समय नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो बाद में इन्हें आपको फेरबदल करना पड़ सकता है। दोस्तों ये जो समय है पुरानी गलतियों के कारण परेशानी उठानी आपको पड़ सकती है। वहीं दोस्तों यह समय आप किसी भी बात को अपने दिल पर न लें, न ही उसके कारण अपने आँख को बढ़ने दें, नहीं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों इससे न केवल आपकी रिश्तों पर असर पड़ेगा बल्कि आपकी सेहत भी यश में खराब हो सकती है। दोस्तों यश में अपनी गलतियों को जो है स्वीकार करें और उन्हें नकारने के बजाय उनसे कुछ सीख लें तो जो है भविष्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और भविष्य में आप गलतियों को करने से बचेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों काम काज के लिहाज से ये जो दिन है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, धन लाभ और सफलता मिलने के योग हैं। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में आपको पहले से अधिक सफलता पाने के लिए प्रयास करने की जरूरत होगी। मेहनत और परिश्रम से आप यश में आगे बढ़ेंगे और सफलता का जो है कुंजी हासिल करेंगे। भूमि और भवनों से संबंधित भी सभी कार्य यश में पूरे होंगे। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपका विवाहित प्रेम इस समय रोमांटिक होना चाहिए और आपका जुनून आपके साथी को यश में आकर्षित कर सकता है। एकल लोग किसी से भी यश में जल्दी मिलजुल सकते हैं और पतिबद्ध रिश्तों को जल्द ही आप विवाह में बदल सकते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों ये जो आपके लिए समय होगा, परिजन के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है, आप इनका भी ध्यान रखें। अपना जो है जो स्वभाव यश में अड़ियल न रखें,
इसके बजाय दोस्तों यह समय आप अपने प्रियजन के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए इन दिनों में आपकी सेहत के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों यह समय संयमित दिनचर्या व जीवन शैली अपना कर आप अपने आप को बेहतर रखने की कोशिश करते रहें। वहीं दोस्तों यह समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके मन में जो उठने वाले सृजनात्मक विचारों को चाहने पर भी आप अभिव्यक्त नहीं कर सकेंगे, परंतु उन्हें जो है नोट रखने की गणेश जी सलाह देते हैं। दोस्तों इन दिनों में आप जो है अपने कार्य के प्रति खूब गंभीरतापूर्ण होंगे। कुछ अज्ञात कारणों से आपकी यात्रा के जो है कार्यक्रम को विलम्ब में डालना पड़ेगा, ऐसी संभावना है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों गणेश जी आपका दिन सफल बनाने के मूड में है। आप उन लोगों के लिए भाग्यशाली होंगे जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह समय मालिक से प्रशंसा मिलेगी, सहयोगी आपके कायल रहेंगे। आप कुछ नया लॉन्च करने से यह समय बचें, इसके लिए जो है आप अन्य समयों की प्रतीक्षा करें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है शैंपेन गुलाब और डार्क चॉकलेट रोमांस का मूड बना सकते हैं। आप अपने प्रेमी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में यह समय कामयाब होंगे। दोस्तों यह समय घर से दूर शाम का आप आनंद ले सकते हैं। गायन नृत्य या फिर स्विमिंग पूल में नहाकर जो है ताजा दम करने से आप अपने साथी के अधिकतम हमदम व फिर घनिष्ठ हो सकते हैं। वहीं दोस्तों यह समय अगर आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आपके पास पैसे कमाने का अच्छा मौका भी होगा। जो लोग आपको पैसे देते हैं वो या तो आपको भुगतान करेंगे या फिर कुछ पैसे जल्द ही करने का कमिटमेंट करेंगे, आप खुश होंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपकी जो है याददाश्त और जो है स्मरण शक्ति काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा ये जो समय है अधिक विनम्र आप होंगे। चीज़ों को लेकर यश में आप झगड़ेंगे नहीं। आप ये जो समय है कुछ चीज़ों को लेकर उम्मीद खो सकते हैं, यह आपकी निराशा और आशावाद का कारण होगा। दोस्तों यह समय आपको काफ़ी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अपने बीते समय में बहुत से पैसे आपने खर्च किए हैं जिसका जो है खामियाजा यह समय आपको भुगतना पड़ सकता है। आपको पैसे की यह समय ज़रूरत होगी लेकिन वो आपको समय पर नहीं मिल पाएगा। वहीं दोस्तों यह समय आप अपने स्वास्थ्य को अस्थिर न होने दें, खास तौर पर अपनी पत्नी या फिर पति के साथ, नहीं तो यह घर की शांति पर असर डाल सकता है। दोस्तों यह समय विवादित मुद्दों को उठाने से आप बचें। अगर आप यह समय डेट पर जा रहे हैं तो दोस्तों आप किसी बड़े व्यवसायिक लेन देन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी जो है कुछ परियोजना में कई लोगों का संयोजन भी यह समय कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में आप अपने आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर बनाने के लिए जो है लहसुन और प्याज की गांठ बांधें और बहते जल में इन्हें प्रवाहित कर दें, इससे दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगी। दोस्तों यह समय आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों यह समय आशीर्वाद फलीभूत होने के लिए भूलकर भी बच्चों को गालियां ना दें, न ही कोसें। अक्सर माता पिता बच्चों को उनकी आज्ञा न मानने पर, पढ़ाई न पढ़ने पर कहते हैं कि तू न ही होता तो अच्छा था, या फिर घर से चला जा, मर ही जाए तो अच्छा था। दोस्तों यह विनाशकारी श्राप भूलकर भी ना दें। याद रखें 10 आशीर्वाद मात्र एक श्राप को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों यश में इनमें आप परिवर्तन करें, यश में आपका घर, इनसे आपका घर सुखमय जाएगा। तो दोस्तों इन्हें आप जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए भाग्यशाली होंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।